हम बीजेपी से 100% खुश हैं, और 200% का भी पैमाना होता तो हम उसमें भी खुश रहते हैं, इससे ऊपर होता तो हम उसमें भी खुश रहते हैं। जो 70-80 सालों में नहीं हुआ था वो अब 9 सालों में पिछले हो चुका है। सरकार अच्छा काम कर रही है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हर चीज़, हर पॉलिसी को आने में आती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू कीप हैव सम पेशेंस, होगा सब अच्छा होगा। अच्छा, मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन्होंने जो ठाना था मन में करने के लिए, पिंक बूथ्स वगैरह सब जो इंस्टॉल कर रहे थे, आई थिंक रात में भी आप देख सकते हैं कि आजकल महिलाएं निकलती हैं, अपना इंडिपेंडेंट हैं, सुरक्षा के रूप में मुझे लगता है कि इधर घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं जिसमें कि ऐसा निकल के है कि महिलाएं अपने को असुरक्षित फील कर रही हैं। कुल भारत तोड़ो यात्रा थी, भारत तोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में एक भी आदमी से वो ऐसे नहीं मिले जो भारत जोड़ने की बात करता हो। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जहाँ से शुरू की वहाँ पे ही एक वो ऐसे फादर से मिले जो कहता था कि भारत माँ मैं क्यों बोलूँ, मैं भारत में माँ पे चप्पल पहन के चलूँ तो मैं इसको माँ क्यों कहूँ। पिछले सरकारी जितनी थी उनके कामों को देखते हुए तो मेरे को लगता है बीजेपी इज़ मच बेटर देन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, क्योंकि पिछली जो भी थी जातिगत और वो एक उनका अपना एक दायरा था, वो उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाए। अब कि इनका हिंदू धर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, अब की राहुल गांधी समेटेंगे इनको। अच्छा, तो कौन आएगा फिर मोदी जी की जगह? अब की विपक्ष का चेहरा बनेगा, अब कांग्रेस अपना विपक्ष बनाएगी। बीजेपी मुद्दे पे नहीं आती, बीजेपी खाली कांड पे आती है। अभी जैसे पुलवामा कांड हुआ ना, आप देखिए मोदी जी जब तक कोई भी सरकार जब तक मोदी जी ने बनाई है, 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री जब से बने थे उसके बाद ठीक चुनाव के 3 महीना पहले कोई ना कोई कांड होता है इनका। नमस्कार, मैं कल्पना, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स। 2014 और 2019 में बहुमत हासिल करने के बाद अब बारी है 2024 की, तो क्या बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी खुद को साबित कर पाएगी? क्योंकि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि वो एक होकर गठबंधन कर बीजेपी को 100 सीटों पर ही सिमटा देंगे, तो वहीं बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें दोगुनी और दोहरी खुशी की जीत दर्ज करे। तो फिलहाल हम आज पहुंचे हैं जनता के बीच में और जनता का मूड क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं जनता से कि आखिर जनता का मूड कैसा है, क्या वो बीजेपी के जो पिछले 10 साल के काम है उससे खुश है, या फिर किसी विपक्ष का कोई चेहरा ऐसा है जो मोदी को टक्कर दे सकता है। आइए बात करते हैं जनता से ही। तो अभी हमें राजधानी लखनऊ में, और यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे, भावने की कोशिश करेंगे जनता के मूड को। और ऐसे ही जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियाँ तेज होती जाएंगी हम देश के अन्य राज्यों में भी पहुँचेंगे, और वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, हर आम आदमी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड स्तर पर क्या क्या काम किए हैं, और उनकी ये जो काम है क्या वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें उसका फल मिलेगा, या फिर कोई विपक्षी पार्टी इस बार दांव मार ले जाएगी। फिलहाल राजधानी लखनऊ की जनता से हम बात करने वाले हैं, तो आइए चलते हैं जनता के पास ही। सर, 2024 में किसकी सरकार? बीजेपी, ऑब्वियसली बीजेपी की। अच्छा, 9 सालों का काम हमने उनका देखा, 2014 फिर 2019, अब 24 में बीजेपी किन किन मुद्दों को साथ लेके आएगी? आई थिंक हेल्थ एंड एजुकेशन वुड बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो अपनी ग्लोबल एक पहचान बनी है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ द बेस्ट इस समय। एंड चाहे बाहर रहने वाले NRI इंडियंस हैं, वो भी एक गुड फील कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में देर इज़ अ सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसलिए फिर से भाजपा आएगी 2024 में। अच्छा, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो लोगों का कहना है कि वो उन्हें टक्कर दे सकते हैं, तो ऐसा है क्या? नहीं नहीं नहीं, हो सकता है कि 1-2% शेयर बढ़ जाए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, आपको क्या कहना है? नहीं, उसका बहुत फर्क पड़ेगा, भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। देखिए, जो राहुल गांधी ने कहा अभी तक, उन्होंने कहा कि इनके अडानी से रिलेशन है, वो आगे सामने अडानी ने झूठ बोला, सारी चीज़ें जो उसने कहा पीछे अपने पास्ट में कहा, वो धीरे धीरे करके फ्यूचर में आ रहा है। पब्लिक को भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इनके पास खाली एक मुद्दा है, हिंदुत्व, खाली वही मुद्दा है, इनके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं। और देखिए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चुनाव के पहले खेल होगा, उसके उस तक पब्लिक मोल्ड हो जाएगी, तो हो सकता है ये सरकार फिर से बना ले जाए। अच्छा, तो क्या लगता है आपको राहुल गांधी क्या उन्हें टक्कर दे सकते हैं? राहुल गांधी ऑफकोर्स टक्कर दे सकते हैं, अभी तो मुझे लग रहा है कि 50-50 पे आगे खड़े हो गए हैं। और
इस बार बीजेपी किन मुद्दों के साथ आएगी? हर बार तो कुछ एजेंडा होता है कि जैसे 370 हटाना, राम मंदिर लेके आना, तो इस बार का मुद्दा क्या होगा, क्या लगता है? बीजेपी मुद्दे पे नहीं आती, बीजेपी खाली कांड पे आती है। अभी कोई जैसे पुलवामा कांड हुआ ना, आप देखिए मोदी जी जब तक कोई भी सरकार जब तक मोदी जी ने बनाई है, 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री जब से बने थे, उसके बाद ठीक चुनाव के 3 महीना पहले कोई ना कोई कांड होता है इनका, कोई ना 2 महीना 3 महीना 15 दिन 20 दिन पहले कांड होता है इनका। मतलब क्या सरकार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अरे ये सब इन लोग के एजेंडे हैं, खाली हिंदुत्व को एक करने के लिए, खाली हिंदू को एक करने के लिए वो इस वजह से कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे पुलवामा घटना घटी, कुछ ना कुछ वो हो सकता है ऊपर वाले की महिमा हो, ऐसी ये कुछ हो जाए, हो सकता है चाइना से कुछ हो जाए। अभी 24 तो अभी बहुत दूर है, साल भर है अभी तो, अभी तो अभी कुछ कहना नहीं ठीक है। अभी 24 में जब 2 महीना बचेगा उस समय डिस्कस देखिएगा आप, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, मोदी जी के काम को देखते हुए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर दिए? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 370 जो हटाई वो काम अच्छा किया, बस वही एक काम अच्छा किया, बाकी कोई काम इन्होंने अच्छा नहीं किया। राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, कोर्ट ने बनवाया। राम मंदिर का ताला जो है सबसे पहले राजीव गांधी ने खुलवाया था, कांग्रेस में राजीव गांधी जब पीएम थे तब राम मंदिर का ताला खुला था। तो राम मंदिर तो कोर्ट में मुकदमा चल रहा था भाई, कोर्ट में मुकदमा जीत गई, राम मंदिर न्यास जीत गया उसने, फिर कोर्ट के आदेश से वो बन रहा है। तो इसमें इसमें जबरदस्ती बीजेपी अपने को कैश कर रही है, उसमें बीजेपी का क्या योगदान है? नहीं, बीजेपी का मतलब राम मंदिर जो ये तो कोर्ट के आदेश से बन रहा है ना। अच्छा, जब कोर्ट ने आदेश नहीं दिया तो इससे पहले क्यों नहीं बनाया? विपक्ष सब लोग यही इनके नारा ही ये लगता था, राम मंदिर वहीं बनाएंगे ना, तारीख नहीं बताएंगे, ये नारे लगते थे ना। तो पहले जब कोर्ट से निर्णय आ गया तभी बना ना, तो कोर्ट का आदेश पे बन रहा है। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या कहना है, क्या लगता है मोदी सरकार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल करेगी या फिर बाजी कोई और मार ले जाएगा? हमें नहीं पता कि किसकी सरकार आएगी, जिसकी सरकार आए वो अच्छा काम करे। हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, नो पॉलिटिकल। अच्छा, तो एक आम आदमी के तौर पर अभी आप जो जनता है सत्ता में है उससे आप खुश हैं या नहीं? ठीक है। कुछ सुविधाएं मिल रही हैं आपको? थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ठीक है। और ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जो और ज़्यादा होनी चाहिए वो क्या है, हम जानना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, नहीं नहीं देखिए ज़्यादा क्या होना चाहिए, देखिए डेवलपमेंट वर्क ज़्यादा होने चाहिए। अब कोविड भी चल रहा था तो इस कारण नहीं हुआ, तो जो चीज़ें हैं वो और इम्प्रूवमेंट की तरफ होनी चाहिए। जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि बोलते ज़्यादा हैं करते कम हैं, तो मोदी की सरकार में भी यही है कि बोलते ज़्यादा हैं होता कम है। क्या मुद्दे हैं जिस पे अभी सरकार का काम करना बाकी है, पहुंच ही नहीं है वहां तक? बहुत जनता के लिए बहुत काम करना बाकी है, गरीबों के लिए, बेरोजगारी देखिए कितनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत कोरोना काल में गरीबों को और राशन दिया मोदी जी ने, दिया वो तो एक अच्छा काम किया, ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। बेरोजगारी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इस पे मुझे लगता है सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो कोई ऐसा विपक्ष में है जो टक्कर दे सकता है इस बार? अब विपक्ष में तो अभी तक कोई नहीं दिख रहा, अब आगने वाले समय में जो दिखे वो एक अलग की बात है, अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। क्या नाम है आपका? स्नेहा मिश्रा। आपका? रूबी मिश्रा। तो स्नेहा, आप मुझे ये बताओ कि क्या लगता है आपको 2024 में सत्ता में कौन? 2024 में सत्ता में तो बीजेपी सरकार ही आने वाली है। मोदी जी से खुश हैं आप? जी, बहुत ज़्यादा। कौन से ऐसे काम है जो आपको लगे कि ये एकदम सटीक ही है? ऐसे कौन से काम नहीं जो सटीक नहीं है? पहली बात 370 हटा, उसके बाद जो है ये मुस्लिम राम मंदिर बनना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत इम्प्रेस हैं मोदी जी से, बहुत ज़्यादा। और जो है अभी जो है ये जो विदेश मंत्री हैं उनसे तो और भी ज़्यादा सेटिस्फाई है। हाँ, उन्होंने जैसे कि मतलब पढ़ाई को देखकर, स्किल को देखकर जो उन्होंने नेता चूज़ किया विदेश मंत्री, उससे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस। क्या करती हैं आप? अभी तो मेरा बीएड चल रहा है। पढ़ाई कर रही है? तो क्या सुविधाएं आपको जो मिल रही है सरकार की तरफ से, या अच्छी शिक्षा, रोज़गार, इन सब चीज़ों की बात करती है सरकार? हाँ हाँ, रोज़गार में थोड़ी सी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, मतलब वैकेंसीज आ रही है, डिपेंड करता है आप कितने स्किलफुल हैं उसको। देखिए, एक सीट के लिए तैयारी जो होती है वो एक सीट के लिए होती है, अगर हम तैयारी करते हैं अपनी स्किल को मतलब प्रूफ कर पाते हैं खुद को, तो हमें वैकेंसी मिलती है। हाँ, थोड़ी वैकेंसी के लिए कमी है, तो उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार हम लोग को वैकेंसी थोड़ा देगी। पंकज द्विवेदी नाम है, लखनऊ में ही रहता हूँ। और अभी जो यूपी में समिट हुआ है, ये रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये बहुत शानदार हुआ है,
इससे यहाँ पे रोज़गार बढ़ेगा और विदेशों से यहाँ पे अभी जो हुआ है फंडिंग हुआ है ये बहुत ही सपोर्टेबल रहेगा रोज़गार को बढ़ाने के लिए, और यहाँ पे उद्योग और फैक्ट्रीज बढ़ेंगे, जब फैक्ट्रीज लगेंगी उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जॉब लोगों को रोज़गार मिलेगा। एक आम जनता के तौर पर, एक युवा के तौर पर आपकी और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मांगे हैं सरकार से जो वो पूरी हो रही पूरी करनी है मोदी सरकार को? जैसे पे काम नहीं हुआ है अभी, मोदी सरकार नहीं पहुंची वहां पर, यहां का जो ये इंडिया में पॉपुलेशन है इस पे जरूर जो है कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब जो है पॉपुलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम्स होती हैं। अब अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लाती है तो इससे जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम है, मैं मुंबई से यहाँ पे आया हूँ। क्या बात है, नाम में राम है। अच्छा तो ये बताइए मोदी जी के काम से आप कितने खुश हैं? मोदी जी के काम से मैं काफ़ी खुश हूँ, बिकॉज अभी हमने कोविड के बाद बाहर आए हैं और जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे वर्ल्ड में हर एक बड़ी से बड़ी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो गई है, लेकिन मोदी जी ने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। और इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप का इन्फ्लेशन 10 के ऊपर है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ऑलमोस्ट डिफॉल्ट के स्टेज पे खड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने अब तक संभाल के रखा हुआ है। तो मोदी जी क्या लगता है, ऐसे ही आगे भी संभालेंगे या कोई टक्कर देगा उन्हें? नहीं, फिलहाल तो पूरे देश में मोदी के आसपास भी कोई नहीं है, कोई तो टक्कर के सवाल के बारे में क्या कहना आपका? राहुल जी को मैं 2003 से देख रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ, और करीब 19-20 साल हो गए, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी आजकल 2003 वाली ही है, तो वो कोशिश करते रहेंगे। वैसे आप 50 के हो गए, 70 के हो जाएंगे, उनका कोई चांस नहीं है। अच्छा, जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उसका कुछ असर पड़ेगा क्या आगामी जो 2024 के लोकसभा चुनाव? पड़ता अगर उसका पर्पस रहता, अगर भारत जोड़ने का, लेकिन कुछ पर्पस था नहीं, वो खाली एक ड्रामा था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। तो मोदी के आसपास कोई नहीं भटकता पूरे देश में? फिलहाल के अगले 5 साल तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपका वोट मोदी जी? मोदी जी कितना नंबर देंगे आप उन्हें 10 में से? फिलहाल मैं 10 में से 8 दूंगा, क्योंकि और भी चांसेस हैं, कुछ अच्छा इम्प्रूवमेंट और भी हो सकता है, 10 में से 8। ये तो प्रमोद भाई, ये बताइए कि मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? सी, मैं इतना डीप पॉलिटिक्स में जाता नहीं, बट हम लोग मतलब मैं और राम मुंबई से ही हैं, तो एज फॉर इंफ्रा एंड फॉर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई थिंक आई एम क्वाइट इम्प्रेस विद द गवर्नमेंट दैट हाउ दे आर वर्किंग। ओके, तो क्या लगता है कोई टक्कर दे सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता, फिलहाल जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है और जिस हिसाब से मोदी जी फेवरेट है लोगों के, सो मुझे नहीं लगता कोई दूसरा। अच्छा, आप क्या लगता है भैया, आपको 9 साल के काम के साथ बीजेपी एक बार फिर जमीन पर आई है? नो डाउट, फिर से बीजेपी आएगी। तो ग्राउंड स्तर पर हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या काम किया है बीजेपी ने और जनता कितनी खुश है, तो आपकी क्या राय है, आप बीजेपी से कितना खुश हैं? हम बीजेपी से 100% खुश हैं, और 200% का भी पैमाना होता तो हम उसमें भी खुश रहते हैं, इससे ऊपर होता तो हम उसमें भी खुश रहते हैं। जो 70-80 सालों में नहीं हुआ था वो अब 9 सालों में पिछले हो चुका है। आप लखनऊ देखिए, बाबा जी की सरकार में प्लस मोदी जी की गवर्नमेंट में 9 साल जो इंडिया के पूरा देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया का योगदान देखिए, G20 समिट की प्रेसिडेंसी मिलना, इन्वेस्टर समिट की प्रेसिडेंसी मिलना, ये कोई आम बातें नहीं है। और आप पूरा लखनऊ घूमिए, अब लखनऊ पहले वाला लखनऊ नहीं रहा, यहाँ की रोडें देखिए, शहीद पथ वगैरह देखिए, स्पीड सेंसर लगा दिए गए हैं अब कि मतलब 80 ऊपर से स्पीड जाएगी तो तुरंत चालान आपके घर, तो इससे कि एक्सीडेंट वगैरह कम हो, प्लस जो हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रहा है, अयोध्या में इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, मेन तो राम मंदिर ही है ये सारी चीज़ें तो, लेकिन उस वो मेन है, प्लस अयोध्या में इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जो राम मंदिर के ही आर्किटेक्चर पर बनेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम रखती हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के आई थी क्या वो मुद्दे पूरे हो रहे हैं या किए या कुछ बचे हैं? देखिए, कुछ बचे हैं जो वो पूरे हो जाएंगे, अभी टाइम तो है ही, तो हो जाएंगे आराम से, इसमें कोई डाउट नहीं है बस, और यही। अच्छा, क्या बचा है अभी? अभी देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, आपको जो किसान वाले कई केसेस हैं किसान वाले, इनमें बचा है थोड़ी बहुत चीज़ें, और बाकी ऐसे तो बहुत सारे उनके मैनिफेस्टोज में हैं जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हो जाएंगी पूरी। अच्छा, एक सवाल और, विपक्ष का ऐसा कौन सा नेता है जो मोदी जी को कड़ी टक्कर दे सकता है? कोई नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में एक भी आदमी से वो ऐसे नहीं मिले जो भारत जोड़ने की बात करता हो। भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने जहाँ से शुरू की वहाँ पे ही एक वो ऐसे
फादर से मिले जो कहता था कि भारत माँ मैं क्यों बोलूँ, मैं भारत में माँ पे चप्पल पहन के चलूँ तो मैं इसको माँ क्यों कहूँ, मैं भारत माता की जय क्यों कहूँ। आप ऐसे आदमी के साथ मिल रहे हैं, डिनर टेबल शेयर कर रहे हैं, टी टाइम ले रहे हैं, तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई। मेधा पाटकर से आप मिल रहे हैं तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई। जी कर्नाटक के ये थे ना। जी, आपको क्या लगता है सरकार 2024 में? पिछले सरकारी जितनी थी उनके कामों को देखते हुए तो मेरे को लगता है बीजेपी इज मच बेटर देन प्रीवियस गवर्नमेंट्स, क्योंकि पिछली जो भी थी जातिगत और वो एक उनका अपना एक दायरा था, वो उससे आगे कभी बढ़ नहीं पाए। अब हालांकि लोग बोलते हैं कि अखिलेश यादव ने बहुत से काम किए हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अगर गवर्नमेंट में है तो आपको वो करना है। और फिर अब उन्होंने हमेशा ब्लेम किया कि बीजेपी उनके कामों को आगे बढ़ा रही है, उनके कामों को अपना टैग दे रही है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं, क्योंकि काम करना और काम का खाका तैयार करना वो दो अलग चीज़ें होती हैं। किसी की काम को आप कितना अच्छा इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसको कितना अच्छा लोगों तक पहुंचा रहे, वो मायने रखता है। आप ख्याली पुलाव में तो आप जो है लखनऊ में जो है इंडिया गेट बना दीजिए, मेरे को उससे मतलब नहीं है, लेकिन यूथ के पास कितनी अच्छी रीच है लोगों की या गवर्नमेंट सर्विसेज की। अब आप देखते हैं, आप कोई भी ले लीजिए, चाहे वो बैंक से लेके हो या कोई भी सरकारी काम हो, आप पब्लिक डायरेक्ट उससे कम्युनिकेट कर पा रही, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। जी, तो यूथ की बात आप कर रहे हैं, यानी युवा, तो युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का, तो क्या वो फुलफिल हुआ है? देखिए, जिस हिसाब से हमारी यूपी की पॉपुलेशन है वो मेरे को लगता है कि वर्ल्ड में कई कंट्रीज हैं उनसे भी ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन को देखते हुए ये कोई ऐसा तो है नहीं कि एकदम से राम राज्य आ जाएगा। हाँ, अगर हम बेसिक से चीज़ों से शुरू करेंगे, वो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, ये आप लोग भी देखते हैं, आप लोग मीडिया पर्सन हैं, आप लोग मेरा, लेकिन ये है कि जो योगी गवर्नमेंट है, आप उनके विजनरी गवर्नमेंट है, जैसे उनके राम ये अभी इन्वेस्टर समिट हुई, इसमें आप मान के चलिए जो योग्य लोग हैं, अब वैसे भी यूथ मैंने इंडिया में देखे हैं जो बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, भाई आप उस कि उसके लायक तो बनिए। गवर्नमेंट ऐसा कभी नहीं कह रही कि हमने सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किया, हम नहीं ला रहे हैं उद्योग, ला रही है गवर्नमेंट। आप उसके मतलब एक नेता के तौर पर मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? नो डाउट, मतलब एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि इस बार बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, क्या लगता है? उनकी 10 सीटें नहीं आएंगी विपक्ष की। हिंदू धर्म नहीं चलेगा, अब किनका हिंदू धर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, आपकी राहुल गांधी समेटेंगे इनको। अच्छा, तो कौन आएगा फिर मोदी जी की जगह? अब की विपक्ष का चेहरा बनेगा, कांग्रेस अपना विपक्ष बनाएगी। देखिए, विपक्ष में ऐसा कोई नेता है नहीं, या हमारा, मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं एज अ भक्त, या मैं भक्त नहीं हूँ, एक मतलब इंटेलेक्चुअल की अगर तरह आप देखें तो भी विपक्ष, अभी आप खुद उठा के देखिए, कोई विपक्ष में एक मजबूत चेहरा है ही नहीं। हमारा विपक्ष, देश में विपक्ष का ना होना देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, कि कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सीधे पब्लिक ये नहीं जानता कि आटा किलो में बिकता है, लीटर में बिकता है, देश की पॉपुलेशन क्या है, वो प्रधानमंत्री क्या बनेगा। और विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। आपको लगता है कि ममता बनर्जी चाहेंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी चाहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? नीतीश कुमार चाहेंगे कि तेजू भैया प्रधानमंत्री बने? तेजू भैया की दुआती निराली है, खैर गमला लेके फोटो खिंचाते हैं और मंत्रालय संभाल रहे हैं, बहुत सही चीज़ चल रही है उनकी। तो विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो पाएगा, और अकेले कांग्रेस के बस की ये बात नहीं है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो 2024 में किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। क्या नाम है आपका? अदिति। मेरा इंस्टीट्यूट है टीनी वीनी के नाम से। क्या बात है। तो देखिए, मोदी जी के बहुत सारे काम ऐसे जो लोगों कहना है किए हैं, लोगों कहना है कि नहीं किए, तो क्या क्या वो मुद्दे हैं जिस पे अभी मोदी सरकार को और काम करना है? थोड़ा सा फाइनेंशियल, उस पर थोड़ा सा उन्हें और वर्क करना चाहिए, बाकी आई थिंक ही इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, विपक्ष का कौन ऐसा चेहरा जो सकता है? कोई नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर के मोदी सरकार ने कितना काम किया? नहीं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक उन्होंने जो ठाना था मन में करने के लिए, पिंक बूथ्स वगैरह सब जो इंस्टॉल कर रहे थे, आई थिंक रात में भी आप देख सकते हैं कि आजकल महिलाएं निकलती हैं, अपना इंडिपेंडेंट हैं। सुरक्षा के रूप में मुझे लगता है कि इधर घटनाएं काफ़ी कम हो गई हैं, जिसमें कि ऐसा निकल के आए कि महिलाएँ अपने आप को असुरक्षित फील कर रहे हैं। तो आप अभी जब रात को निकलती हैं घर से बाहर, तो सुरक्षित महसूस करती हैं कि मोदी सरकार है तो मैं सुरक्षित हूँ? जी जी, बिल्कुल। आपका? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और बात करें, और भी कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो गई, अर्थव्यवस्था हो गई, तो इस पर क्या कहना है? सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार अच्छा काम कर रही है, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, हर चीज़, हर पॉलिसी को आने में आती है तो उसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है, तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू कीप हैव सम पेशेंस, होगा, सब अच्छा होगा। हाँ, अच्छा, राहुल गांधी को लेकर के भी काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वो ऐसे चेहरे हैं जो उन्हें टक्कर दे सकते, तो आपका क्या मानना है इस बारे में?
लुक्स वाइज भी टक्कर नहीं दे सकते और माइंड वाइज भी टक्कर नहीं दे सकते, कहीं से भी नहीं टक्कर दे सकते जी। नहीं मतलब कोई ऐसा जो टक्कर दे रहा हो या है या नहीं? एज ऑफ नाउ तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि मोदी जी का ये जो 9 साल का कार्यकाल हमने देखा, 2 महीने और हो गए और अभी जो समय बचा है, तो आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 out of 10. Yes. क्या बात है।